मैंने आपको पहले बोला कि बहुत से बायोलॉजिस्ट ऐसे आए पहले, जैसे आपके पास अर्नेस्ट हेकल है, रॉबर्ट वाइटेकर है, कार्लस लिनियस है, ये बहुत से हमारे पास बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने, साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिक किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसको बांटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया। सबसे पहले कार्ल लिनियस ने, दो कैटेगरी में बांटा, एक को प्लांट एक को एनिमल। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू टू, प्लांट और एनिमल। लेकिन बाद में क्या होने लगा, बाद में इसमें सजेशंस आई और बाद में जो हमारे पास आए आर एच वाइटेकर, आर एच वाइटेकर एक ये भी बायोलॉजिस्ट थे। आर एच वाइटेकर ने 1959 में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव ग्रुप्स में बांटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को कितने में बांटा, फाइव ग्रुप्स में। तो बोला कार्लस लिनेनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कार्लस लिनेनियस ने बोला था लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल, दो कैटेगरी में बांटे। बाद में आर एच वाइटेकर ने और बहुत से बायोलॉजिस्ट ने मिलके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच भागों में, पांच किंगडम्स में बांटा गया, अलग अलग किंगडम्स में, फाइव ग्रुप्स में। किस बेस पे, बहुत से बेसिस थे लाइक एब्जॉर्प्शन का पैटर्न, फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इंजेक्शन खाने का ढंग, और जो मेन चीजें हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज क्या थी, इन्होंने बोला कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स हर एक जो प्लांट है जो एनिमल है इनमें कम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। दूसरा कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, अलग अलग शेप है, अलग अलग आकार है, उस बेस पे इनको अलग किया गया। न्यूट्रिशन खाने का ढंग उस तरीके से, और जो रिलेशनशिप है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब एंसेस्टर कहाँ से कहाँ, कौन पहले फिर आगे कौन आ रहा है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है जिसमें पांच कैटेगरीज, पांच ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया। सबसे पहला ग्रुप जो हमारे पास आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो बांटा पांच हिस्सों में बांटा, और सबसे पहला ग्रुप जो हमारे पास आता है, एक दो तीन चार और पांच, सबसे पहला ग्रुप जो हमारे पास है बेटा, सबसे पहला है कि जब मोनिरा, MONERA, मोनिरा एक ग्रुप का नाम है सबसे पहले। उसके बाद दूसरे ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा, दूसरे ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा। तीसरा प्लांटाई, इसमें सभी प्लांट्स को बांटा गया। चौथा फंजाई। अब फंजाई जो है पहले इसको एक ही ग्रुप में रखा जाता था, और लास्ट है एनिमलिया। अब ये पांचों के पांचों आपके अलग अलग पढ़ने आपने, मोनिरा क्या है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, सेम प्रोटिस्टा के केस में, सेम प्लांट के केस में, सेम फंजाई और सेम एनिमलिया। सो नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक वो हो गया मोनिरा के ऊपर। थैंक यू।